उत्तमं। तो महोदय। वयं इदानीं अद्य प्रयत्नं कुर्मः सर्वदा संस्कृतं वदामः। आम् अस्तु महोदय। तो मम जवनिका पश्यसि वा? न अहं न पश्यामि। न पश्यामि। इदानीं आम् इदानीं पश्यामि। अहं मम चलचित्रम् आरम्भ करोमि। मम जीवनिका अत्र अस्ति। मोहा महोदया आम्रं खादति, केसर आम्रं खादति। नवीन महोदय, आम्रं खादामि वा? न महोदय, खादामि, परन्तु मिलति अथवा न मिलति? अत्र आम्रं उत्तमं नास्ति। आम् आम्, अहं स्मरामि तत्र आम्रं मधुरम् अस्ति, परन्तु फ्लेवरं नास्ति। आम् आम् स्वादं नास्ति, मधुरम् अस्ति। आम् आम् मध्यमम् अस्ति। सो ऐसा होता है क्या? मतलब हाँ, मीठा होता है लेकिन स्वाद नहीं होता है। हाँ मीठा है तो वो आंख बंद करके खाओगे आप, नयनम पिघे ही आम्रम खादामि, तो अहम न जानामि किम फलम तत्। ओ हाँ हाँ तो ज्यादातर मेरे ख्याल से साउथ अमेरिका से आता है क्या वहां पर? आम मेक्सिको, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, हाँ ओ होंडुरस, ओ ओके। तो अहम मोहा महोदया देशे आगच्छामि, आगच्छति। अहम मोहा महोदयाम वदामि, आम्रम श्रुत्वा अहम लालायितम भवामि। आम अहमपि आचार्य। अहमपि आम। अहो अहो अभिलाष महोदय, नमो नमः। नमो नमः महोदय, स्वागतम्। धन्यवादः। ते सर्वे नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। इदानीम् अद्य सर्वदा संस्कृतं वदामः, प्रयत्नं कुरु, प्रयत्नं करोतु। न संभवति तर्हि तव भाषा आंग्लभाषा अथवा हिंदी अथवा कश्चित् भाषा उपयोग करोतु। अस्तु महोदय। तो आम्रं श्रुत्वा, आम्रं शब्दं श्रुत्वा, आम्रं शब्दं, आम्रं शब्दं श्रुत्वा अहं लालायितं भवामि अथवा लालायितम् अस्मि।
इदानीं नवीन महोदय मोहा महोदय किं करोति? अहं संस्कृतं पठामि. अस्तु अस्तु, त्वं भवान् संस्कृतं पठति, परन्तु मोहा महोदय किं करोति? मोहा महोदय आम्रं खादति. आम् आम् आम्रं खादति, हसति च. हसति च. मुदित मुदित मनः अस्ति. मुदितम् अस्ति मोहा महोदय. मुदितम् अस्ति. सो इदानीं प्रश्नं पृच्छतु, प्रयत्नं कुरु नवीन महोदय. अभिलाष महोदय, अहं गतसप्ताहे किं किं कानि कानि करोति? भवान् भवान् या भवन्तः गतसप्ताहे कानि कानि करोति करोति न कृतौ कृतौ कृतवन्तः. आम्, तत् मम प्रश्नः. भवान् भवतः गतसप्ताहे किं किं करोति स्म, तर्हि कक्षायां न आगच्छति स्म. आम्, गतसप्ताहे अहं कार्यालयं कार्यम् अस्ति, तर्हि तर्हि आम् अभिलाष महोदय, कार्यालये कार्यम् आसीत् इति कारणात् आसीत् आसीत् धन्यवादः आसीत् तत् कारणेन अहं वर्गः न आगच्छामि. आगतवान् वर्गः अर्थात् वर्गं न द्वितीय उपयोग करना है ना, वर्गं न आगतवान्. वर्गं उत्तमं, वर्गे उत्तमं, तो वर्गे अर्थात वर्ग में, और वर्गम वर्ग को, तो बहु उपयोगम अस्ति. न आगच्छाम आगतवान् आगतवान् स्म महोदय. आगच्छामि दोनों चलेगा, आगच्छामि स्म अथवा आगतवान्. हाँ हाँ हाँ, अभिलाष महोदय मुझे एक डाउट है सर. आपने अभ्यास जो व्हाट्सएप ने भेजा ना, उसमें एक क्वेश्चन है सर, मुझे आंसर नहीं है. वहाँ क्या हो रहा है, इसको संस्कृत में कैसे कन्वर्ट करना, कैसे ट्रांसलेट करना सर? मोहा महोदय वदति, वहाँ क्या हो रहा है? अहम प्रेषयामि तत् प्रश्न उत्तरम्. अस्तु अस्तु, नवीन महोदय प्रेषितवान्, मोहा महोदय उत्तरं वदतु, वहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न पुनः पृच्छतु. वहाँ क्या हो रहा है, तस्य संस्कृतं वदतु. अहम् एकम् अभ्यासं प्रेषितवान्, स्मरसि भवति? किधर है पहले वाला? क भाग अंतिम, क भाग अंतिम वाक्य.
हो रहा है। हाँ मैंने भेजा है। आम आम अहम स्मरामि। नवीन महोदय भवान प्रथम मेसेज संदेश उत्तर ददाति अहम तो द्वितीय मेसेज द्वितीय अभ्यास अहम उत्तर अहम द्वितीय अभ्यास अपि अहम ददामि परंतु अहम स्ट्रेट को क्या बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल पर्सनल मैसेज दिया आचार्य महोदय को पर्सनल अर्थात व्यक्तिगत। ठीक है मेरा डाउट सेकंड वाले सेकंड अभ्यास में खा भाग में अंतिम का अंतिम अंतिम प्रश्न क्या हो रहा प्रश्न। हाँ अहम जानामि उत्तरम जानामि अहम भवामि। आम आम वन निमिषे प्रतीक्षा कुरु महामहोदय प्रयत्न करोति तत्पश्चात नवीन महोदय महामहोदय तत्र किम् आम उत्तमम् उत्तमम् स्वल्पम् स्वल्पम् तत्र किम् पूर्णं करोतु। अहं चिन्तयामि भवती भवति तत्र किम् भवति अस्तु तत्र किम् भवति तत्र किं भवति अत्र किं भवति तत्र किं भवति यहाँ क्या हो रहा है या वहाँ क्या हो रहा है अगर क्या चल रहा है क्या चल रहा है अगर ट्रांसलेट करना है तो सर वहाँ क्या चल रहा है तत्र किं चलति 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 इज नॉट करेक्ट मतलब चलत देखिए जब आप चल रहा है बोल रहे हैं ना तो आप पूछ तो वही रहे हैं कि क्या हो रहा है चल रहा है इज अ स्लैंग स्लैंग ठीक है वो भाषा जो है सही नहीं है मतलब चल रहा है का असल में चलना नहीं होता क्योंकि हम चलती जब बोलेंगे तो दैट विल बिकम समथिंग इज वॉकिंग बट चलती इज नॉट रियली यूजेबल देयर यदि क्या चल रहा है बोलना है तो भी आप भवती ही बोलिए संस्कृत में भवती बोलना पड़ेगा तेलुगु में भी ऐसा ही शायद डायरेक्ट ट्रांसलेशन से आया हुआ है मगर अकड़ा एम नडुस्ता उंदी बोले तो क्या चल रहा है वो ही क्वेश्चन है और अकड़ा एम आउता उंदी क्या हो रहा है वो भी है तो एम अवुता उंदि इज ओनली प्रॉपर तेलुगु नॉट एम नडुस्ता उंदि इज नॉट प्रॉपर तेलुगु क्या चल रहा है वो प्रॉपर नहीं स्लैंग है जैसा आप बोल चल रहा है उस सेंस में तब उपयोग हो सकता है जब गाड़ी चल रही है या ट्रेन चल रही है जब सही में कुछ चल रहा है देन यू कैन आस्क उत्तमम उत्तमम तो भवती मोहा महोदय भवती उत्तमम अस्ति अत्र हो रहा है तो भवती ये दीर्घम नहीं है इधर इकारांत है इसीलिए क्या हो रहा है वो अर्थ है भवती जो दीर्घम से आता है वो तो स्त्रीलिंग का ये हो जाता है भवती भवती भिक्षाम देही ऐसा भवती इज आप स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग बड़ी जो होता है दीर्घ ई और भवती इज तत्र किम भवती
तत् हो रहा है। तो कक्षायाम आगच्छामि अन्य विद्यार्थी विद्यार्थिया सन्ति अहम् प्रश्नं करोमि कथमासीत् नवीन महोदय अहम् सम्यक् अस्मि अहम् तु कुशलम् अस्मि अहम् कुशलम् अस्मि कुशलम् अस्मि सम्यक् अस्मि सम्यक् अस्मि उत्तमम् कुशलम् उत्तमम् शब्दः अस्ति आम् कुशलम् मम बुआ पितरस्य भगिनी पत्रं लिखति तो पत्र आरंभ सदैव एतत् अस्ति अत्र कुशलं तत्र अस्तु अत्र कुशलं तत्र अस्तु बहु शोभनम् तत्र अस्तु मीनिंग क्या है सर तत्र अस्तु वहां भी हो तो तत्र इज वहां हाँ है ना तो वहां भी ऐसा ही हो तो यू आर विशिंग आप विश कर रहे हैं जैसे हम बोलते हैं ना तथास्तु तथास्तु कैसे तथा अर्थात वैसा ही हो वैसा ही हो हाँ तत्र अस्तु उधर भी ऐसा ही हो हाँ अत्र कुशलम तत्र अस्तु तो हमारे यहाँ कुशल है वहां भी कुशल हो पत्रे वाक्य इदानीं कति खगाः सन्ति अभिलाष महोदयः चत्वारि चत्वारि खगाः सन्ति एकः खगः उपविशति त्रीणि खगानि उड्डयन्ति उपविशति उड्डयन्ति कति खगाः किं कुर्वन्तः महामहोदयाः कति खगाः किं कुर्वन्तः कति खगाः सन्ति एवं चत्वारि खगा अस्ति त्रीणि खगम् उड्डयन्ति चत्वारि खगाः अस्ति अथवा सन्ति चत्वारि खगा अस्ति 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 अथवा सन्ति एकः
आप पूछ रहे हैं ना कि कितने खग उड़ रहे हैं, यही पूछा ना आपने। उत्तमम् अस्तु, परंतु कति खगाः सन्ति, मम प्रश्नः किमस्ति, कति खगाः सन्ति एवं कः किं करोति। तो कह किम करोती इस जनरल, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ एक 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 करके कौन क्या कर रहा है, तो कह किम करोती। एक खगा उपविशति, तीनि खगा उदयन्ति। एक खग उपविशति, उत्तमम्। त्रीणि खगः पुल्लिंग अस्ति, त्रयः शुद्ध शब्द, त्रयः खगाः। उड्डयन्ति परंतु कुल कति खगाः सन्ति महोदय। चत्वारि। उत्तमम्। तो चत्वारि नपुंसकलिंग अस्ति। इदानीं पुल्लिङ्गाय चत्वारः, चत्वारः खगाः सन्ति। एको खगा उपविशन्ति, त्रयो खगा उड्यन्ति एवं चत्वारः खगा। भवत्याः वाणी लघु अस्ति। क्षीणम् अस्ति, शयनम इज शय्या प्रकोष्ठः, शयनम स्लीपिंग है, और एक है शनैः, शनैः आप लोगों को पता होगा हिंदी में यह गाना है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। हाँ, इसका संस्कृत में गाना बना है, शनै शनै मम हृदय आगच्छ, बहुत अच्छा है सर। उत्तमम्, उत्तमम्, उत्तमम् गीतम् अस्ति। आमाम्। लिंक तत् गीतस्य लिंक प्रेषयतु। आम्, प्रेषयतु। षट मास गत षट मासे गीता महोदय अथवा केचन प्रेषितवान्। मगर स्लो तो मंदम होता है ना, शनै ही इज स्पेसिफिकली फॉर वॉइस, ने शीघ्रम और मंदम होता है स्लो के लिए। मंदह भी है और शनै भी है।
बट शनाई इज नॉट लो, सो वॉइस के लिए हम शनाई है शायद नहीं उपयोग कर सकते. शनाई है इज स्लो नॉट लो. तो स्लो पुस्तकायां यदि हम स्लो सोचेंगे तो लिखति उदाहरणम सिंहः उच्चैः गर्जति, बालिका शनैः गायति. सिंहः उच्चैः गर्जति, बालिका शनैः गायति. उत्तमम् उत्तमम्. सो बालिका शनैः गायति. हाँ तो उसके लिए उपयोग हो रहा है ना, क्षीणम और शनैः. हाँ. वॉइस के लिए भी चलेगा इसका मतलब है. हाँ, नहीं सर. हाँ. नहीं होगा क्योंकि शनैः की मतलब लो वॉइस नहीं सर, मतलब स्पीड भी हम कुछ गाना के लिए भी चलेगा और वॉइस के लिए भी चलेगा. अब बुक पुस्तके उदाहरणम अस्ति तो पुस्तकम संस्कृत भारती पुस्तकम अस्ति. शब्दकोशः शब्दकोशे किम अर्थम स्लो शब्दकोशे स्लो अर्थात मंदः अस्ति. एवं लो लो न जानामि लो अस्ति अथवा न अस्ति. एल लो. हाँ, दिस लो इज नॉट द सेम. नीचः मंदम. तो नीचैः इज अप एंड लो इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाई एंड लो. दैट इज नीचैः एंड ऑपोजिट उच्चैः. उच्चैः अहम एक उदाहरण वदामि. उच्चैः वदतु वदतु. बाहुबली चित्रे प्रवासः जय माहिष्मति इति उच्चैः वदति. उत्तमम् उत्तमम्. बाहुबलि पुनः वदतु अभिलाष महोदय. बाहुबलि बाहुबली नाम चित्रे प्रभासः जय माहिष्मति इति उच्चैः वदति. जय माहिष्मति. इति उच्चैः वदति. इति वदति उच्चैः वो भी चलेगा. उत्तमम्. इदानीं धीरे तो हाँ, धीरे तो हिंदी और संस्कृत सब कोश में नास्ति, कोशे नास्ति. किमर्थम धीरे? हाँ
धीरे उर्दू शब्द हवा हिंदी शब्द हिंदी शब्द अस्ति किम प्रश्नम पश्यति पश्यसि तथदध तो हिंदी शब्द कोशे पश्यसि वा अथवा आंग्ल संस्कृत शब्द हिंदी संस्कृतम शब्द कोशे धीमे है ना धीमे वो धीरे एंड धीमे दोनों सेम शब्द हैं धीमे पृष्ठ पृष्ठ हाँ धीमे धीमे मंदम 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 धीमे कुत्र अस्ति हिंदी संस्कृत शब्दकोशे पश्यसि वा आम ध ध धी पे आप जाएंगे पृष्ठ षट षट सत षट सती और पंच क्या बोलते हैं सेवेंटी को कैसा बोलते हैं सप्तति है सप्तति है आम क्षम्यता सप्तति ही पृष्ठ भवान एतत् पुस्तकम् क्षम्यतां मम वीडियो आरम्भं करोमि भवान एतत् पुस्तकं पश्यसि वा पश्यति वा आम आम हिंदी संस्कृत हिंदी संस्कृत शब्दकोश शब्दकोश अभिलाष महोदय एतत् पुस्तकं संस्कृत भारती वेबसाइट मध्ये लभ्यति आनयतु अभिलाष महोदय एतत् शब्दकोशः धीमे धीमे अहं पश्यामि धन्यवादः महोदय किं पृष्ठः धीमे धीमे मन्दं मंदम मंदम धन्यवाद तो धीमे धीमी धीमी शुद्ध हिंदी धीरे उर्दू धीरे भी होना चाहिए ढूंढेंगे किसी और हिंदी की शब्दकोश में देखेंगे मेरे पास एक और भी है वो संस्कृत का नहीं है पर वो हिंदी का है तो हिंदी शब्दकोश है पश्यामि धीरे धीरे किम भाषा एतत् दर्पणम किम वर्णम अस्ति मोहा महोदया इदानीं प्रश्नोत्तर कुर्मः तो अहं मोहामहोदयां पृच्छामि मोहामहोदया उत्तरं वदति एवं आगामी प्रश्न पृच्छति मोहामहोदय दर्पणः पीतवर्णं पीतच रक्तवर्णम् अस्ति पीत रक्तवर्णम च भवत्याः वाणी शनैः मन्दम् शनैः मन्दम् नीचैः पीतवर्णम् पीत रक्तवर्णम् च अस्ति दर्पणः पीत रक्त
वर्णम स्त्री सर हमने ये नहीं कह सकते क्या पीत रक्त वर्णे अस्ति वर्णे इज वर्ण में पर वर्ण में वर्णे चलेगा पर जब भी हिंदी में बोलते समय वो इस रंग में है इस रंग में है तो रंग में भी बोलते हैं और हिंदी में हम रंग का भी बोलते हैं जैसे पीले रंग का रंग, या लाल रंग का तो इसको और भी शुद्ध यदि करना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि दर्पणस्य वर्णम पीत रक्त वर्णम च अस्ति तब फिर वर्णे और उसकी सोचने की आवश्यकता नहीं है दर्पणस्य वर्णम दर्पणस्य वर्णम क्योंकि दर्पणः आपको देख के समझ में आ रहा है कि दर्पणः पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द अस्ति तो उसमें बालकस्य रामस्य वो वाले विभक्ति चल सकती है तो दर्पणस्य वर्णम ऐसा भी बोल सकते हैं षष्ठी विभक्ति अस्तु महामहोदय प्रश्न पृच्छतु महामहोदय म्यूटे अस्ति वा म्यूटे नो नो म्यूट न अस्ति म्यूट मौनः ध्वनि यंत्रम मौनः अस्ति तो माइक माइक म्यूट ध्वनि यंत्रम माइक सो भवत्याः प्रश्न कुत्र अस्ति प्रश्न पृच्छतु महामहोदय आम आचार्य महोदय अर्जुन धनु नाम को क्या बोलते हैं अर्जुनः अर्जुनस्य धनु धनुः नाम नाम तो नाम ही है ना मम नाम अंशु तव नाम मोहा अर्जुनस्य धनुः नाम किम् अस्ति अभिलाष महोदय नाम ना नाम 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 किम् भवत्याः वाणी मंदम शनैः अर्जुनः अर्जुनः धनु अर्जुनस्य धनुः नाम किम् 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 अस्ति किम् अस्ति महोदय अहं वदतु वदतु अभिलाष महोदय धनुः नाम न जानामि तस्य धनुः नाम अरे गांडीव धनुः न शृणोसि वा अर्जुनस्य गांडीव प्रसिद्धः नाम गांडी एवं चत्वारिंशत् निमेषे टाइम लिमिट अस्ति समय बंधन जूम जूम मीटिंग समय बंधन अस्ति
फ्री अकाउंट अस्ति. अच्छा सो चत्वारिंशत् निमेषे मीटिंग समाप्तं भवति पुनः आरम्भं करोमि. सो अर्जुनस्य धनुः गांडीवः. किं वृक्षे स्थापयति स्म अज्ञातवासकाले. अज्ञातवासकाले आम् आम् महामहोदय तत् एक शास्त्रीय कारणम् अस्ति. तत् वृक्षे स्थापितवान् अर्जुनः पाण्डवाः. हा सर्वे आयुधः स्थापितवान्. परन्तु किं वृक्षः? पीपल वृक्षः. पीपल को संस्कृत में क्या? पीपल ना ओ अभिलाष महोदय निद्रोध. हाँ वो एक मिनट में अहम वो अहम तेलुगु भाषे वृक्षस्य नाम जानामि परंतु संस्कृत या तत् अथवा हिंदी भाषे ना जानामि. तेलुगु वदतु किम वृक्षे स्थापितवान्. शमी या बन्नी. हाँ शमी अस्ति. शमी हिंदी भाषायां शमी वृक्षे. तेलुगु में जम्मी बोलते हैं उसको. तेलुगु में जम्मी वृक्षम बोलते हैं. तो जम्मी वृक्षे स्थापितवन्तः. उत्तमम् नमो नमः महामहोदय. नमो नमः. हमारे अस्माकं अस्माकं वॉइस को क्या बोलते हैं? वाणी. ध्वनि. अस्माकं ध्वनि श्रुणोति वा महोदय? महोदय क्या कह रहे नवीन जी? अस्माकं ध्वनि श्रुणोति वा मोहा महोदय? श्रुणोमि. अस्तु धन्यवाद. एकम् अन्यं प्रश्नम् अस्ति तत् नवीन महोदय पृच्छतु स्म. मोहा महोदय अर्जुन किं प्रश्नम् अस्ति? किं वृक्षे धनुः स्थापितवान्? अज्ञातवासकाले किमर्थं शमी वृक्षे स्थापितवान्? किमर्थम् अहं न जानामि.
समी वृक्षे किमर्थम अभिलाष महोदय भवान भवान जानामि वा जानासि क्योंकि वो वृक्ष पर कुछ शव लटके हुए थे हाँ वो वृक्ष पर शव लटके हुए थे ना एतत् शास्त्रीय कारणम् अस्ति वदतु नवीन महोदय सर्वे अपि न जानन्ति शमीवृक्षे साधारण लाइटनिंग को क्या बोलते हैं दामिनी वो लाइटनिंग नहीं पकड़ती है वो अच्छा दामिनी न मारती हाँ ना मारती हाँ तो इसीलिए पांडव ओ बड़ा सा शमी वृक्ष के अंदर they put all the ayudhams in the form of a dead body they wrap it up in the form of a dead body and they store it there so for agnyata vasakale so I think because there might be some components in that weapons that get affected with lightning so or they get destroyed also right so तत्कारणेन उत्तमः लेकिन ये जहां तक मुझे याद है ये स्मशान भूमि में ही था ना शमी वृक्ष हाँ तो वो अच्छा है ना उसका इसलिए तो वही कारण है कि स्मशान में भी था और उसको ऐसा लटकाया कैसा वो बोले उन्होंने शव शव जैसा लगना चाहिए वो रूप में तो किसी को ज्यादा लगेगा भी नहीं कुछ गड़बड़ लटकाया ना एक ब्रांच पे रखते हैं वो शव के रूप में रख दिया उत्तम ज्ञानम अस्ति धन्यवाद यूजुअली वी रिकमेंड एवरीबडी नॉट टू गो अंडर ए ट्री व्हेन इट्स लाइटनिंग राइट बिकॉज ट्रीज कैच लाइटनिंग इजीली सो एस्पेशली टॉल ट्रीज ऊंचे ही वृक्षे बहु कथा बहु दामिनी मारती हाँ बहु दामिनी मारती ताड़यति अथवा मारती ताड़यति अर्थम किम ताड़यति भी वही है मारता है मारती तो बालकः व्याघ्रं ताड़यति ताड़यति बालक जो है शेर ताड़यति शब्द से अहम ताड़की राक्षसी स्मरामि ताड़यति बालकः कंदुकम ताड़यति बालक जो है बॉल को मार रहा है तदर्थम सो कभी कोई प्रश्न होता है ना कि किमर्थम जैसे अभी आपने पूछा कि शमी वृक्षे किमर्थम स्थापितवान तो आपने उसका एक अच्छा उपाय है कि जब हमने उसका कारण बताया दामिनी नमारती तदर्थम तो उसके साथ में लगा देना चाहिए मतलब तदर्थम मतलब इसलिए हाँ इसलिए इस कारण से या उस कारण से उत्तमम् इदानीं प्रश्न पृच्छतु महोदय प्रश्न पृच्छति स्म इदानीं अभिलाष महोदय प्रश्न पृच्छतु
नवीन महोदय भवतः प्रश्न अहम ना पृच्छामि। अस्तु अस्तु अभिलाष महोदय अनन्तरम् अहम् नरेशः कुत्र अस्ति, वामहस्ते अस्ति वा अथवा दक्षिणहस्ते अस्ति वा? नरेशः कुत्र अस्ति? आम् नरेशस्य चित्र कुत्रम् अस्ति? नरेशस्य चित्रं नाम नरेशस्य चित्रं कुत्र अस्ति? अस्ति अच्छा, वामहस्ते अस्ति वा अथवा दक्षिणहस्ते अस्ति वा? वामहस्ते दक्षिणतः हस्ते अस्ति। नरेशः नरेशस्य चित्रं दक्षिणतः वाम और दक्षिण दोनों दक्षिणहस्ततः दक्षिणतः सफिशिएंट है। ओके दक्षिणहस्ते भी चलेगा पर दक्षिणतः सफिशिएंट है। दक्षिणतः अस्ति आचार्य महोदय। आम वाम और दक्षिण मैं समझ रही थी कि दोनों लेफ्ट ही होता है, नहीं? ना दक्षिणतः लेफ्ट राइट वाम लेफ्ट दिशा हमने कहां पे की थी? तीन चार दिन पहले ही किया था शायद, अभी दिखाता हूँ। वहां पे एक सुंदर सी लड़की बनी है ये देखो एक मिनट ये आगे चला गया। फिर से आगे चला गया, क्या हो रहा है? तदर्थ किमर्थम के लिए क्या बोले थे आप? तदर्थम तो ये है वो सुंदर लड़की और दक्षिणतः राइट साइड वामतः लेफ्ट ऊपरी उसके ऊपर अधः नीचे पृष्ठतः पीछे और पुरतः आगे। ये हमारी कक्षा में हुआ है पुरतः आगे, कोई दूसरी कक्षा में हुआ है तो कि मुझे नहीं ना ये नहीं ना अब आप ना भवति अस्माकं वर्गे ना भवति एतत्। तो अब कौन आया था कौन नहीं वो तो मुझे याद नहीं है रिकॉर्डिंग्स शायद आपने दूसरी क्लास में किसी और परंतु चिंता मास्तु अहम् इदानीं अहम् जानामि चिंता मास्तु महोदय। एतत् पिपीलिका न स्मरसि वा महोदय? पिपीलिका कति पिपीलिका? अहम् स्मरामि है ना, ऊपर पिपीलिका ऊपर ही अस्ति अधो अस्ति अग्रे अस्ति न स्मरसि अस्तु अस्तु। सो भवत्याः कक्षा कक्षायां न आगच्छति स्म, तत् कक्षायां न आगच्छति स्म संभवतः तदर्थं न जानसि। उत्तमम् उत्तमम्। सो दक्षिणतः राइट साइड वामतः लेफ्ट इदानीं तत् पृष्ठे गच्छामि। सो दक्षिणतः नरेशस्य चित्रं
नरेशस्य अस्तु अस्तु नवीन महोदयस्य प्रश्न नवीन महोदय प्रश्न पृच्छतु आचारस्य जवनिकायां कति पर्णानि सन्ति एकं पर्णम् अस्ति एकं पर्णम् अस्ति उत्तमम् 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 जवनिकायां कति पर्णानि सन्ति एकं पर्णम् तो जवनिकायां अनुस्वार आएगा उसको म हटा के अनुस्वार करना पड़ेगा जवनिकायाम और एकम पर्णम एकम अनुस्वार है और पर्णम में म लगेगा मम जवनिकायां किम किम अस्ति मोहा महोदय मम जवनिकायां किम किम अस्ति मोहा महोदय आचार्य महोदय आचार्य महोदय त्वं यवनिकायां दर्पणः तव यवनिकायां त्वं तो तुम हो गया लेकिन आप बोलना चाहती हैं आपकी या तुम्हारी तो तव तव यवनिकायां तव यवनिकायां मतलब नंबर बोलूं या क्या क्या है वंडर लिस्ट भवत्याः विचार मम जवनिकायां किम किम अस्ति तत् प्रश्नं पृच्छामि उत्तरं ददातु कृपया नंबर भी चलेगा और वस्तुएं भी चलेंगी जो बोलना चाहे आप बोल सकती हैं वो आपकी चॉइस यवनिकायां पंचम पित्रे अस्ति पंचम चित्राह पंचम चित्राह पंच पंच चित्रा चित्राणि पंच चित्राणि कुत्र सन्ति चत्वारि चित्राः चत्वारि सॉरी आई वाज जस्ट काउंटिंग मतलब मैंने धनु दो बार गिनाई उत्तमम उत्तमम बृहद बृहद देशे लघु लघु उसको क्या बोलते हैं यार बातें हैं
बृहद बृहद देशे लघु लघु वार्ताः भवति। बृहद बृहद देशे लघु लघु वार्ताः, तो बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं। धनुष को उन्हें दो बार गिन लिया ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अर्जुन का गांडीव ज्यादा पसंद आ गया मोहन जी को। हाँ, वो तो हम नहीं लेके आ सकते हैं ना अभी। तो भस्म भस्मीभूत हो चुका था रथ के साथ। हाँ हाँ, रोहन के समय। हाँ चलिए मोहाजी, प्रश्न पृछतु। नवीन महोदय, नरेशस्य वस्त्रे नहीं 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 नरेशस्य वस्त्राणि क्या पूछना चाहते हैं? आई एम ट्राइंग टू आस्क व्हाट ऑल इज ही वेयरिंग। किम किम और व्हाट कलर इज ही वेयरिंग, मतलब क्योंकि मल्टीपल है। नरेशस्य स्कंदे किम अस्ति? ओके, आपका भवत्याः नरेश किम वदतु। आई एम ट्राइंग टू फ्रेम नरेशस्य वस्त्राणि कानि कानि वर्णानि सन्ति, ऐसा बोलते हैं क्या? नरेशस्य वस्त्राणि कानि कानि वर्णानि सन्ति? कहा प्रश्न? समझ में आया महोदय प्रश्न? तो नरेशस्य वस्त्राणि कानि कानि वर्णानि सन्ति, नरेशस्य वस्त्रा नरेशस्य नरेशः किम किम वर्णानि में बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक रंग ही है ना, अलग अलग रंग नहीं, एक बार में तो एक ही रंग आएगा। हाँ, किम किम। बट एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कि नरेश ने क्या क्या पहन रखा है, तो मुकुट है, वस्त्र है, तो अलंकार है, ऐसे। उत्तमम उत्तमम, तो प्रश्न पृच्छतु नरेश। नरेशे इदानीं चित् नरेशः शरीरे नरेशस्य शरीरे किं 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 वस्त्राणि सन्ति, शरीरे किं धारण किं किं वस्त्राणि सन्ति, वैसा भी बोल सकते हैं। किं वस्त्राणि सन्ति, या फिर नरेशः किं किं धारयति, तो वो क्या क्या पहना है आपको पूछ रही है, किं किं धारयति, वही पूछना चाहते हैं ना, किं धारयति। किससे पूछ रही है, अभिलाष जी से पूछ रही है कि नवीन जी से पूछ रही है? नवीन महोदय, हम तत् वस्त्राणि नामं न जानामि।
नरेशस्य युतकं नीलवर्णम् अस्ति. नरेशस्य युतकं 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 मतलब शर्ट शर्ट या ऊपर का वस्त्र जो ऊपर का वस्त्र. हाँ, तो अंगी अंगी भी कह सकते हैं सर संस्कृत में. अंगी संस्कृत में होता है क्या? देखना पड़ेगा. नहीं होता. अंग वस्त्र तो मतलब वो जो अंग वस्त्र तो मतलब अंदर के वस्त्र भी कहते हैं पर अंग वस्त्र मतलब जो ऊपर से खाली वो गले में धारण करते हैं ना, गले में डालते हैं उसको भी अंग वस्त्र कहते हैं. हाँ वो भी चलता है, वो भी पहनाना है इनको. अंग वस्त्र को रहे तो ये देखो अंग वस्त्र भी पहन लिया अभी नरेश ने. अंतर है तो लग रहा है कि अंग वस्त्र जैसा. पापा ने चेले लग युतकम अंगवस्त्रम मुकुटम च धारयति. नरेशः युतकम अंगवस्त्रम मुटुकम मुकुटम च धारयति. इकेरियों से उपवस्त्र बोलते हैं, अंगवस्त्र नहीं बोलते. मैं वही बात कर रही थी अभी मम्मी पापा से. क्या बोलते हैं? उपवस्त्रम. उपवस्त्र वस्त्र के ऊपर है ना, तो उपवस्त्र. ओ उपवस्त्र. हाँ ओके ओके मम्मी कह रही है. ओके उपवस्त्र. अंग वस्त्र भी पूछ लेंगे. अंग वस्त्र कुछ तो होता है पर हो सकता है ये नहीं होता, पता करते हैं. पापा बोल रहे हैं उपवस्त्र होते हैं, मम्मी कहती है उपवस्त्र होता है. मुझे उपवस्त्र ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि ऊपर से है. तो इसमें हिंदी के शब्द को प्रश्न पृछ तू, प्रश्न पृछ तू नवीन महोदय, अभिलाष महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं. अहम पृच्छामि. हाँ अभिलाष महोदय पृच्छतु. तत्र धनु समीपे यारो किमर्थं नास्ति. धनु समीपे यार या इंग्लिश में सर यारो मतलब बाणम चलते. अच्छा बाणह किससे पूछ रहे हैं वो भी बता दीजिए. आपको ये भी हमेशा बताना पड़ेगा ना. वहां महोदय से क्या था आपका प्रश्न अभिलाष जी? जी मेरा प्रश्न ये है कि धनु समीपे वो क्या सर यारो की मतलब नास्ति बाण. मैं समझी नहीं आपका प्रश्न. धनु समीपे बाणः किमर्थं नास्ति. धनुष के पास बाण क्यों नहीं है? धनुष के पास बाण क्यों नहीं है? हाँ यही पूछ रहे हैं वो. इसका इफ आई वांट टू से चित्र बाद में बनाया इसलिए नहीं है. हाउ चित्र चित्रकार लेटर इट वाज ड्रॉन लेटर. पश्चात पश्चात उपयोग कर सकती हैं आप या फिर जगह को क्या बोलेंगे? स्थानम स्थानम या स्थान. धनु समीपे स्थान नास्ति. बाणः आगच्छति पश्यतु आगच्छति. आगच्छति लेटर आगच्छति पश्चात आगच्छति. हाँ
आचार्य महोदय अत्र बहु हास्य हास्यकरं विषयम् अस्ति अस्तु अस्तु आम् आम् एवं वदामि जनरली धनु से बाण जाते हैं अभी तो बाण से बाण धनु के पास में आ रहा है हाँ अन्य कोपि बाणः अर्जुनस्य बाणः नास्ति दुर्योधनस्य बाणः अस्ति अन्य कोपि बाणः आगच्छति कर्णस्य बाणः अस्ति द्रोणाचार्यस्य बाणः अस्ति उत्तमम् उत्तमम् तो समय समाप्तम् कक्षा समाप्तम् करोमि अष्टवादनम् विंशत्यधिक अष्टवादनम् अस्ति आचार्य महोदय मम समीपे एक डाउट अस्ति प्रश्नम् अस्ति आप बोल रहे डाउट के साथ प्रश्न अस्ति यदि गूगल ट्रांसलेट मध्ये अन्य भाषाः सन्ति परन्तु संस्कृतं किमर्थं नास्ति तत्र गूगल ट्रांसलेट मध्ये आम गूगल ट्रांसलेट मध्ये संस्कृतं नास्ति संस्कृतं नास्ति गूगल समीपे संस्कृत आचार्य नास्ति तदर्थं भाषा नास्ति देयर इज समथिंग दैट गूगल डजंट नो गूगल डज नॉट नो तो दैट मीन्स अभिलाष महोदय अथवा नवीन महोदय अथवा महोदय भवान गूगल मध्ये गच्छतु हम गच्छामि अनुवाद करोतु किम अनुवादम सर्वदा अनुवादन सो जो ट्रांसलेट ऐप है वो उसमें तो जेनरिक बहुत सारे शब्द होते हैं ना और उसमें अनुवाद वो लोग फीड कर देते हैं हाँ हाँ तो ये भी देखना चाहिए हमने हम पश्यामि हम दृष्टवान हिंदी शब्दस्य अर्थम हिंदी भाषस्य शब्द लघु अस्ति परन्तु उर्दू भाषस्य मेलनं करोति गूगल ट्रांसलेट मध्ये यत् तत्र पश्यामि अहमपि पश्यामि परन्तु जब यदा मिलति तदा करेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं अपन तदा सम्यक करोतु सम्यक तो तत्र गूगल मध्ये एकं पृष्ठम् अस्ति तत्र नवीन सुझाव सबमिट करोतु समर्पणम् नवीन सुझाव समर्पणम् कुर्वन्तः करिष्यामि तत्पश्चात् ते सम्यक् कुर्वन्तः आम् एतत् प्रोजेक्ट्
विल स्टार्ट तो उत्तमम उत्तमम हाँ तो इवन इन तेलुगु आई डोंट नो अबाउट गुजराती मोहा महोदय यू मे वांट टू चेक बट इवन इन तेलुगु समटाइम्स द राइट मीनिंग्स फॉर द वर्ड्स आर नॉट गिवन दे आर गिवन इन उर्दू और समथिंग उर्दू और लाइक सम काइंड ऑफ लेम मीनिंग्स लाइक हाँ मीनिंग सही बनता ही नहीं है जस्ट एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन की तरह होता है हाँ गूगल ट्रांसलेट यू कांट ऑलवेज रिलाय ऑन दैट्स व्हाट आई फाउंड इन माय एक्सपीरियंस मामा अनुभव सो स्वल्प परियोजना आरंभ करो तू अस्तु महोदय अस्तु कक्षा समाप्तं करोमि शुभरात्रि शुभ दिनम पुनर्मिलामः सर्वेषां नमो नमः धन्यवाद बहु धन्यवाद सर्वेषां धन्यवाद शुभरात्रि शुभ दिनम नवीन महोदय धन्यवाद महोदय नमो नमः सर्वेषां